Hello, welcome to my channel. Today my topic is operating system. जो operating system है हमारा, जो computer होता है या laptop होता है, जब हम उसको open करते हैं उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो operating system के ज़रिए ही होती हैं. तो operating system जो है वो हमारा software और hardware के बीच का एक interface है. software आप जानते हैं कि जो भी applications होती हैं कंप्यूटर पर रन होती है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर में आते हैं, और हार्डवेयर जो भी फिजिकल यूनिट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर के, वो सारे हार्डवेयर में आते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. तो इसको एक और डेफिनेशन भी हम देख सकते हैं, अन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है. जैसे आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जो भी आइकन्स होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. विदाउट अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर वुड बी यूजलेस, यूज ही नहीं होगा उसको. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड हार्डवेयर. तो ये हमारे एज ए एक इंटरफेस के तरीके काम करता है कि जो भी हमें बातें करनी होती है, जो भी हमें काम करवाने होते हैं, यूज़र हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है, हार्डवेयर को सिस्टम कॉल के जरिए बात करता है. और फिर ये नीचे ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर है सॉरी जो हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देता है, यहाँ से जो यूज़र से उनके पास इंस्ट्रक्शन आते हैं. देखिए यहाँ पे ह्यूमन यूजर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशंस रन होती हैं कंप्यूटर पे, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यहाँ पे पूरा हार्डवेयर है. तो ये भी देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है, ये एप्लीकेशंस, डिस्क ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, पेरिफेरल, मॉनिटर, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स. अब ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है? सिंगल यूजर, सिंगल यूजर होता है जिसमें हम एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, मल्टी और एक ही यूजर वर्क कर सकता है, जैसे कि डॉस था. उसके बाद मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग जिसमें बहुत सारे काम एक साथ किए जाते हैं, इंटरैक्टिव एंड रियल टाइम एंड बैच प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये सारे टाइप्स हैं. और ये देखिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस, आईओएस जो आईफोन में होता है, एंड्रॉयड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं. सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग रियल टाइम, मल्टी प्रोसेसिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? रिकॉग्नाइज इंस्टॉल पेरिफेरल डिवाइस, जो भी डिवाइसेस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, फाइल्स को मैनेज करता है. आपने देखा होगा जब आप पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो वहाँ पे एक मैसेज आता है कि एक कोई ड्राइव यहाँ पे सर्च हो रही है, शो कर रही है. तो ये सब उसको, ये वही है कि वो रिकॉग्नाइज करता है कौन से इसमें पेरिफेरल डिवाइसेस इंस्टॉल हुए हैं, रिकॉग्नाइज करता है. हैंडल इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट को जो भी हम डेटा टाइप करते हैं वहाँ पे शो होता है आउटपुट एज ए आउटपुट. और लोड्स रन्स अदर सॉफ्टवेयर, और सारे एप्लीकेशंस को हम लोड कर पाते हैं इसके जरिए और रन कर पाते हैं. मूव्स डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के डेटा मूव करता है. और अलाउ सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो कम्युनिकेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही होता है, उनके बीच की कड़ी है. मैनेजेस सिस्टम सिक्योरिटी, सिस्टम की सिक्योरिटी भी मैनेज करता है, और एरर और जो अलर्ट होते हैं उन जो भी एरर होती हैं उसके अलर्ट्स वो देता है और हैंडल करता है उन्हें. और शेयर आउटपुट सिस्टम मेमोरी, आउटपुट सिस्टम मेमोरी को शेयर करता है, और मैनेज फाइल ऑफ होल्डर्स को मैनेज करता है. तो ये वर्जन्स हैं, पहले 1985 में विंडो 1.0 आया था जो एमएस डॉस था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता हुआ. फिर 3.0 फर्स्ट सीरियस कॉम्पिटिटर टू एप्पल ग्राफिक ओएस. देन 1995 में इंट्रोड्यूस स्टार्ट बटन, विंडो 95, फिर उसके बाद विंडो एक्सपी, देन 2009 में विंडो 7, 2012 में विंडो 8 एंड विंडो 10. तो ये सारे वर्क्स हैं जो कंप्यूटर करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, इंटरप्ट्स, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे फंक्शंस हैं. तो देखिए हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके. ये प्रोसेस मैनेजमेंट है, प्रोसेस में प्रोसेस थ्रेड सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, ये सारा प्रोसेस मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट में मेन मेमोरी और वायरल मेमोरी आता है. स्टोरेज मैनेजमेंट में जो भी स्टोर करते हैं हम डेटा, फाइल सिस्टम, मास स्टोरेज, आईओ, इनपुट आउटपुट सिस्टम आ गए. डिस्ट्रीब्यूटिव में प्रोटेक्शन सिक्योरिटी आ गई, स्पेशल पर्पज सिस्टम आ गए, केस स्टडीज लिनक्स एंड विंडो एक्सपी. तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा. आगे आने वाले वीडियो में हम प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम और केस स्टडीज, इनको अलग अलग सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे.
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और कमेंट कीजिए अगर आप इससे रिलेटेड या कोई भी हिंदी में कोई वीडियो, इंग्लिश में कोई वीडियो है आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कराना चाहते हैं तो आप मुझे मैं इस मेल सेंड कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं आपको पूरी एक लिस्ट एज ए लिस्ट में शो हो, जिससे कि आप अच्छे से देख पाएँ सारे वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।